चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है, जो जल शांत हो फिर यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता है, जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता है। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रतिपद शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है मैं आप में हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव, और जिस क्षण आप में श्वास नहीं देव देव, तब आप मुझ पे देव शिवा। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है, अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पर अपने क्रोध, अपने अहम भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। जहां न अमृत न विष, न सुख न दुख, न स्वर्ग न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवा, साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो
है पंचभूतों से निर्मित शरीर। किंतु आत्मा, आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण हो, जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधारने का। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा नहीं तो शरीर निर्जीव है। शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति, ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्तता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, जो पूर्ण हुआ। महादेव महादेव। जहां न अमृत न विष, न सुख न दुख,
ना स्वर्ग ना नरक, वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। सारे आरोपण मानव का मस्तिष्क करता है, अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और ये सारे गुण भी माया मात्र है। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति। गुण तो मात्र लीला का नाम है। साधु 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 साधु। किंतु प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। तो आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय, इसीलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। इस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। कर सकता हूं अवश्य ऋषि कश्यप। यहां प्रश्न नहीं, वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए। प्रभु, आप तो कालोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है, उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए
ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो न केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, वो माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। ज्ञान और अज्ञान का ये अंतर संसार में ऋषि कश्यप, ये तो किसी शिशु का क्रंदन है। विदर्भ देश के राजा और मेरे भक्त सत्यार्थ का पुत्र, चालू देश के राजा ने सत्यार्थ की हत्या कर दी। सत्यार्थ की पत्नी ने अपने शिशु के साथ अपनी रक्षा करने हेतु वन में शरण ली, किंतु अब तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पधर, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी, और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर, कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, चांद, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधर, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के
लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। किंतु पिताजी, कुछ व्यक्ति अहिंसा का व्रत कर रहे हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो शस्त्रों से सुसज्जित होकर घूम रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए बड़े दुर्ग बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया है पुत्र, क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले, जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी भी शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब योग बल और शुभता का समापन नहीं हुआ है। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा यह कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार है और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना।